नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, और देश की अब बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक क्लिक के जरिए आप जानें कि देश में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। और आज देश की सबसे बड़ी खबर कश्मीर मुद्दे पर है। जी हां, कश्मीर मुद्दे पर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। और इस बीच जब जवान औरंगजेब और पत्रकार की हत्या के बाद से देश में रोष है, सरकार के प्रति नाराजगी है, उस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि सीज फायर 17 तारीख के बाद तय करूंगा कि जारी रहेगा या नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एक समझौता है जिसका उल्लंघन हर बार पाकिस्तान करता है और हर बार हमारे जवानों को शहीद होना पड़ता है। लेकिन अब इस गहमा गहमी के बीच राजनाथ सिंह, गृहमंत्री ने यह बयान दिया है कि 17 के बाद ये जारी रहेगा या नहीं, ये 17 के बाद ही तय होगा। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद को CIA ने, यानी जो अमेरिकी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसने धार्मिक कट्टरवाद संगठन, उग्रवाद संगठन घोषित किया है, जिसे लेकर VHP बेहद नाराज है, बेहद खफा है। VHP ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर CIA का ये रवैया, जो टैग उसने VHP पर लगाया है, अगर वो वापस नहीं लेती तो VHP विश्वव्यापी आंदोलन करेगी। जी हां, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये नाराजगी व्यक्त की गई है CIA की इस रिपोर्ट के जरिए। CIA हर साल अपनी कुछ रिपोर्ट्स निकालती है जिसमें विश्वभर के संगठनों को दर्जा दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, और उग्रवादी संगठन में बजरंग दल और VHP को रखा गया है CIA के इस रिपोर्ट में, जिस वजह से VHP खफा है। VHP के महासचिव कह रहे हैं कि अब भारत को अमेरिका पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि CIA ने जो ये आतंकी होने का टैग दिया है VHP को, इसे वापस लिया जाए। देखना है इस खबर में क्या कुछ और आगे अपडेट्स होती है। आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की। जी हाँ, केजरीवाल साहब पिछले 5 दिनों से लगातार उपराज्यपाल के घर धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे अफसर काम पर लौटें, ये बात LG साहब की तरफ से कही जाए। इसे लेकर 5 दिन से लगातार उनका धरना है। इस धरने के विरोध में BJP भी धरने पर बैठी हुई है, मुख्यमंत्री आवास के पास का जो दफ्तर है वहां। धरना वर्सेस धरना दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। लेकिन इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि अब उपराज्यपाल उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अब वो प्रधानमंत्री मोदी का रुख करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि रविवार से प्रधानमंत्री मोदी आवास का, यानी PM हाउस का रुख किया जाएगा और वहां प्रदर्शन किया जाएगा ताकि उनकी मांगे मानी जाए। यानी अब LG हाउस से केजरीवाल साहब मुड़ चुके हैं PM हाउस की ओर। संडे तक का इंतजार करना है, रविवार को देखना है कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से होता है और प्रधानमंत्री आवास को जो घेरने की योजना है वो कितनी कारगर सिद्ध होती है। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली की ही हम बात कर रहे हैं, और जहां एक तरफ केजरीवाल साहब लगातार धरना दे रहे हैं और विपक्ष उसके विरोध में धरने पर बैठी हुई है, वहां दिल्ली की जनता परेशान है, हैरान है। प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो चुका है इस वजह से, दम घुटू दिल्ली इस वक्त कही जा सकती है, क्योंकि लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। धूल के कण, कहा जा रहा है कि राजस्थान की ओर से दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली NCR की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। ये कह लीजिए कि धूल की भेंट दिल्ली की जनता चढ़ती जा रही है और श्वास के जो मरीज हैं वो बेहद परेशान इन दिनों नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के जो LG हैं उन्होंने 17 तारीख तक दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उसे बंद कर दिया है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 दिन रोजा रखने के बाद तमाम जो मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे, वो ईद की तैयारियों में जुट चुके हैं। कल ईद मनाई जाएगी, ईद से पहले नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद एक दूसरे के घर जाकर लोग ईद की शुभकामनाएं देंगे, बधाइयां देंगे। अच्छे अच्छे व्यंजन और पकवान भी ईद के दिन बनते हैं। मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश भर में ईद का जो जश्न है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और सारे ही त्यौहार यहाँ पर बहुत ही शानदार अंदाज में मनाए जाते हैं। आप सबको भी ईद की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो इसी खबर के साथ फिलहाल आज की बड़ी खबरें हम यहीं खत्म कर रहे हैं, और आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज़्यादा बेहतर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।